हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनामिका गुप्ता। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लिक्स थ्योरी के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ब्लिक्स थ्योरी का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन, जिसे हम खोसलाज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में मैं थोड़ा बोलूँगी, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी अच्छे तरीके से। तो आप प्लीज़ मुझे ध्यान से सुनिए, ताकि आपको जो कंटेंट है वो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लिक्स ने जो थ्योरी दी थी वो 1910 में दी थी, और अकॉर्डिंग टू ब्लिक्स थ्योरी उसने ये बताया कि जो क्रीप लेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टोटल हेड लॉस के, ठीक है, किसी भी सीपेज स्ट्रक्चर के अंदर या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, सीपेज थ्योरी के अंदर। तो लेकिन ब्लिक्स थ्योरी को बेस में रख के जब कुछ स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए गए, तो उसके अंदर बहुत सारे फेलियर्स देखने को मिले, और वो फेलियर्स से पाइपिंग, यानी पाइपिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिली। उसके बाद जब 1926-1927 में कुछ सिफोन्स बनाए गए, तो उसके अंदर बहुत सारा फेलियर देखने को मिला, जिसकी वजह से एक यह रिज़ल्ट सामने आया कि जो ब्लिक्स थ्योरी है वो ज़्यादा लार्ज स्ट्रक्चर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप लार्ज स्ट्रक्चर्स के लिए उस थ्योरी को यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारे फेलियर होंगे, पाइपिंग सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन तो फिर इस चीज़ को ध्यान में रख के एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट जो थे, डॉक्टर A.N. खोसला, और उनकी एक टीम थी जिसके अंदर उनके कुछ एसोसिएट्स थे जिनके नाम थे N.K. बोस और डॉक्टर E.M. टेलर। उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले, कुछ कॉन्क्लूजन्स निकाले, ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स सामने रखे कि जो ये पॉइंट्स थे वो ये बताते थे कि ब्लिक्स थ्योरी के अंदर कुछ कमियाँ हैं। तो आज हम उन्हीं के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि द आउटर फेस ऑफ द एंड शीट पाइल्स वर मच मोर इफेक्टिव देन द इनर वंस एंड द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द फ्लोर। उन्होंने पहली कंडीशन में ये बताया कि जो आउटर फेसेस पे जो शीट पाइल्स लगी हुई हैं वो इनर फेस पे लगी शीट पाइल से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हैं। पहली चीज़ इन्होंने ये नोट करी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि जो इंटरमीडिएट शीट पाइल्स हैं, अगर उनकी लेंथ कम है तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो यूज़फुल है ही नहीं है। यानी कि जो शॉर्ट लेंथ वाली शीट पाइल्स है जो इनर पोर्शन पे लगी हुई है, उनका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रही है, ज़्यादा प्रेशर का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही, यानी कम कर रही है, कुछ इनफेक्टिव है उस कंडीशन में। दो पॉइंट्स उन्होंने ये बताए, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, उन्होंने क्या पॉइंट, थर्ड उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो अंडरमाइनिंग वाली प्रॉब्लम है, जिसे हम पाइपिंग भी बोलते हैं, वो टेल पॉइंट पे होना ज़्यादा स्टार्ट हुई। यानी कि जो स्ट्रक्चर का टेल पॉइंट था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडरमाइनिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो इमेज में हमको दिख रहा है स्ट्रक्चर का जो टेल पॉइंट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडरमाइनिंग होना स्टार्ट हुआ। अंडरमाइनिंग होने की वजह से क्या हुआ, जितनी भी जो सबसॉइल थी, वो सबसॉइल क्या कर रही थी, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के नीचे जितनी भी सॉइल थी उसको अपने साथ इतना ज़्यादा फ्लो कर रही है कि जो कैविटीज़ बनने लग गई हैं वहाँ पर, और वो कैविटीज़ इतनी ज़्यादा डीप हो गई थी, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर नीचे से खोखला होना स्टार्ट हो गया। यानी कि स्ट्रक्चर नीचे से क्या हो गया, हॉलो हो गया पूरी तरीके से, और इवेंचुअली क्या हुआ, वो फेल हो गया, ठीक है। ये उन्होंने सेकंड चीज़ नोट करी। और लास्ट उन्होंने फिर ये देखा कि इस, उन्होंने इन सब के आधार पे एक बात बताई कि अगर ये जो एक कुछ उन्होंने ऐसे पॉइंट्स दिए कि इट वॉज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू हैव अ रीजनेबल डीप वर्टिकल कट ऑफ टू दी डाउन स्ट्रीम एंड टू प्रिवेंट द अंडरमाइनिंग। यानी कि उन्होंने क्या बताया कि अगर हम डाउन स्ट्रीम पॉइंट पर कुछ वर्टिकल कट ऑफ प्रोवाइड करवा देंगे, तो अंडरमाइनिंग से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि वर्टिकल कट ऑफ पाइप हमको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ओके, तो खोसला ने लास्ट कंक्लूजन ये निकाला कि अगर हम प्रेशर पाइप्स इसके अंदर प्रोवाइड करवा देंगे, तो इससे क्या होगा, कुछ हद तक जो पाइपिंग प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो था, ये पूरा था कंक्लूजन था। अब उन्होंने इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन की वो देख लेते हैं। तो लास्टली उन्होंने ये मॉडिफिकेशन दिया कि किसी भी स्ट्रक्चर के लिए जो क्रीप लेंथ होती है वो उसके हेड लॉस पे कोई डिपेंडेंट नहीं होती, यानी उसकी प्रोपोर्शन नहीं होती है। उन्होंने ये बताया कि हर स्ट्रक्चर के बेस पे डिपेंड करता है हेड लॉस किसी भी इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। अगर उसका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसका हेड लॉस उसी पे ही वेरी करेगा, ठीक है। ये उन्होंने लास्ट चीज़ ये प्रोवाइड करवाई एक। तो दूसरा उन्होंने ये बताया कि हम एग्जिट ग्रेडियंट प्रोवाइड करवा के भी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एग्जिट ग्रेडियंट होगा ये सेफ होना चाहिए, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या हो, इवेंचुअली सेफ हो। तो ये इन्होंने कुछ क्या दिए थे, कुछ मॉडिफिकेशंस दिए थे। तो इसको हम एक बार इससे समझ लेते हैं फिगर्स। लास्टली वन थिंग उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि अगर स्ट्रक्चर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो जितना भी अपलिफ्ट प्रेशर होगा वो क्या होगा, रेजिस्ट हो जाएगा अपने आप ही। अगर स्ट्रक्चर की थिकनेस ज़्यादा है तो वो खुद ही जितना भी अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है स्ट्रक्चर पे, उसको क्या कर देगा, रेजिस्ट कर देगा। उन्होंने अपलिफ्ट प्रेशर को इस फॉर्मूले से दिया, मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं।
तो ये था हमारा टोटल आज का खोसला थ्योरी का एक लेक्चर वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने इसको बहुत इजी वे में समझाया है। अगर आपको कुछ भी इसके अंदर डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।